हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपनी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के टॉपिक फ्लड एनालिसिस का एक टॉपिक जो कि हमारा फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़। बस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि हमने हमारा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़, तो सबसे पहली बात, फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़ में हम पढ़ने के वाले हैं। तो होता क्या है कि मेरे पे यार एक पुराना डाटा था कि पिछली जो मेरी बाढ़ आई थी वो 30 साल पहले आई थी, उससे पहले जो बाढ़ आई थी वो मेरी 28 साल पहले आई थी, उससे पहले मेरी बाढ़ आई थी 22 साल पहले आई है थी। यानी मेरे पे एक पुराना डाटा गिवन था, तो अब उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ भाई कि अब मेरी जो बाढ़ आने वाली है वो अगले साल कब आएगी, यानी कि और हम कह सकते हैं किस साल। जैसे अब मैं बात करूँ अगली साल मेरी बाढ़ आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या जो अपना मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ बनाऊँ या स्ट्रक्चर अपना बनाऊँ वो किसके अकॉर्डिंग बनाऊँ, कि फ्लड कितनी उसकी आती है डिस्चार्ज के साथ, यहाँ पे कितने साल बाद आती है, उसके अकॉर्डिंग मैं सारे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करूंगा। वो हम किसके हेल्प से करते हैं, वो हम करते हैं फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़ की हेल्प से। ठीक, तो फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़ में हमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं तो फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़ में सबसे पहले आता है हमारे का रिकरेंस इंटरवल, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करने वाले हैं, टी से। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है रिकरेंस इंटरवल, हम आगे देखेंगे वो क्यों। सबसे पहले समझते हैं रिकरेंस इंटरवल होता क्या है हमारा। तो रिकरेंस इंटरवल क्या है, डिनोट्स द नंबर ऑफ इयर्स इन विच अ फ्लड कैन बी एक्सपेक्टेड वंस। तो रिकरेंस इंटरवल्स का मतलब है हमारा कि यार हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई साहब इतने सालों में हमारी एक बार बाढ़ तो आएगी ही आएगी। मैंने माना यार कि हो सकता है 50 साल में एक बार मेरी बाढ़ आ रही है, तो वो क्या हो गया 50 साल, क्या हो गया मैं रिकरेंस इंटरवल। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, टी से। तो इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि पीक डिस्चार्ज जो है हमारा वो हमें 50 साल में एक बार मिल जाए, या हो सकता है उससे ज़्यादा डिस्चार्ज मिल जाए, लेकिन एक बार तो मिलेगा ही हमें। ठीक, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा रिकरेंस इंटरवल। अब इसमें हमें एक और चीज़ बता रखी होती है, वो होती है हमारी रिटर्न पीरियड। ये क्या देखिए दोस्तों, हमें रिटर्न पीरियड, तो रिटर्न पीरियड क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा एक एवरेज रिकरेंस इंटरवल होता है किसी भी फ्लड का। ठीक, तो हमने दो चीज पढ़ी, क्या रिकरेंस इंटरवल और रिटर्न पीरियड। तो अब आता है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, जिसे हम डिनोट किससे करने वाले हैं, पी से। तो ये होता है क्या हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बीइंग इक्वल और एक्सीड इन एनी वन ईयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। यानी कि किसी साल हमारी फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही बताती है हमें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। और इसे हम किससे नोट करने वाले हैं, उसे हम नोट करते हैं पी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बोलूँ यार कि किसी एक साल में मेरी बाढ़ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो होती है हमारी पी इक्वल्स टू 1/t। और टी के दोस्तों हम जानते हैं टी क्या होता है हमारा, टी होता है हमारा रिकरेंस इंटरवल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बताता है हमारा किसी भी एक साल में मेरी बाढ़ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, और उसको हम किसे डिनोट करते हैं, पी से। और उसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या, पी इक्वल टू 1/t। अगर मैंने बोला कि भाई साहब रिकरेंस इंटरवल जो था मेरा, रिकरेंस इंटरवल को हम टी से डिनोट करते हैं, वो 50 साल था, तो किसी भी एक साल में बाढ़ आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मेरी बाढ़ आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/50। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये हो गया मेरा 2%। तो यानी प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस है मेरे 0.02, या तो 0.02 चांसेस हैं या कितने हैं, 2% चांसेस हैं कि किसी साल बाढ़ आ सकती है, अगर मेरा रिकरेंस इंटरवल कितना है 50 ईयर्स है तो। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा भाई किसी साल बाढ़ आने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं कहूँ किसी साल बाढ़ ना आने की प्रोबेबिलिटी, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, यानी
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस यानी किसी एक साल में बाढ़ ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों मेरी, 1 माइनस पी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन टी। जैसे मैंने माना यहाँ पे टी कितना 50, तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 50, तो ये आएगा मेरा कितना 49 अपॉन 50। तो किसी भी साल मेरी अगर 50 मेरा क्या है रिकरेंस इंटरवल है, तो किसी एक साल में मेरी बाढ़ ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरी, 49 बाई 50। ठीक, अब ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। मैं बात करता हूँ कि यार एक साल में 10 या 12 या 14 बार इतनी बार बारिश होती है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैसे निकालते हैं, अब वो देख लेते हैं। अगर मैंने माना कि भाई साहब अगर 8 टाइम बारिश हो रही है मेरी, कितनी टाइम बारिश हो रही है, 8 टाइम बारिश हो रही है, कितने साल में, एन साल में, मान लिया एन कोई नंबर है या आर कोई नंबर है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन सी आर सी, क्या दोस्तों, ये है हमारा कॉम्बिनेशन वाला सी, ठीक, इंटू पी रेस टू पावर आर इंटू क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। मुझे पता है मेरा कि रिकरेंस इंटरवल दे रखा हुआ, तो रिकरेंस इंटरवल मैंने मान लिया भाई मुझे टी दे रखा हुआ, टी से डिनोट करते हैं, मैं टी मान लेती हूँ, इसके मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। पी की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 बाई टी, तो 1 बाई टी रेस टू पावर आर इंटू क्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 माइनस 1 अपॉन टी, मैंने आपको दिखाया था कैसे, रेस टू पावर एन माइनस आर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का फॉर्मूला किसके लिए, अगर हमारी आर बार टाइम बारिश हो रही है किसी भी साल में, किसी भी एन सक्सेसिव ईयर में, ठीक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक। तो क्या हुआ, यू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस यानी किसी भी एक साल में बारिश आने की प्रोबेबिलिटी। अब हमें फ्लड फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले दिए गए किसके, पी और टी को निकालने के, यानी प्रोबेबिलिटी और रिकरेंस इंटरवल को निकालने के लिए कुछ इंपेरिकल फॉर्मूले दिए गए, जो कि अब हम देखने वाले हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं एम्पेरिकल मेथड, या हम कह सकते हैं मेथड फॉर डिटरमाइनिंग फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज। तो फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज में आगे बढ़ते हैं, अब हमें ऐसे बहुत सारे मेथड और एम्पेरिकल फॉर्मूले दिए गए फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज में, जिसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और हमारा रिकरेंस इंटरवल निकाल सकते हैं, ठीक। और उसके हेल्प से क्या करते हैं, उसके हेल्प से हम अपना कोई भी चैनल डिजाइन कर सकते हैं, या कोई भी डैम या रिजर्वोयर डिजाइन कर सकते हैं, या हम पता कर सकते हैं भाई कि अगले यार इतने सालों बाद मेरी बाढ़ आने के चांसेस हैं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले मेथड आता है हमारा क्या, कैलिफोर्निया मेथड। सबसे पहले क्या आता है मेरा, कैलिफोर्निया मेथड। तो कैलिफोर्निया मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया, हमें पी और टी के कुछ फॉर्मूले दिए गए। तो पी हमें दिया गया कितना, पी का फॉर्मूला दिया गया हमें स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि एम और एन हमारे क्या होने वाले हैं, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं पी क्या होता है दोस्तों, पी होता है हमारा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, टी की वैल्यू हो जाती है हमारी यहाँ पर एन अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। अब अगला मेथड आता है हमारा क्या, एलन हेजन मेथड। एलन हेजन मेथड, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमें पी और टी की वैल्यू दी गई वो क्या दी गई, पी की वैल्यू दी गई इनने हमें 2m-1 अपॉन 2n, और वही टी की वैल्यू क्या होगी इसकी उल्टी, तो 2n अपॉन 2m-1। अगला फॉर्मूला दिया हमने, इनने हमें क्या दिया, वीबुल मेथड, वीबुल मेथड। तो वीबुल मेथड के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू दी गई हमें स्मॉल एम अपॉन एन प्लस वन, और टी की वैल्यू दी गई हमें क्या, एन प्लस वन अपॉन स्मॉल एम, उल्टा कर दिया अपना। और लास्ट हमें दिया गया क्या, गंबल मेथड, गंबल्स मेथड।
तो गंबल्स मेथड के अकॉर्डिंग हमें पी की वैल्यू मिली एम प्लस सी माइनस वन अपॉन एन, और टी की वैल्यू मिली क्या एन अपॉन एम प्लस सी माइनस वन। अब इसमें सी क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो सी जो है हमारा दोस्तों, सी इसमें सी क्या हो जाता है दोस्तों, सी होता है हमारा गंबल करेक्शन फैक्टर, गंबल करेक्शन फैक्टर। एम क्या होने वाला है दोस्तों, एम होता है हमारा रैंक ऑफ द रेनफॉल। एम क्या होने वाला है हमारा, एम होता है रैंक ऑफ द रेनफॉल। एन क्या होता है दोस्तों, एन होता है हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस, नंबर ऑफ सैंपल। हमें गंबेल ने सी की वैल्यू दी, सी की वैल्यू क्या दी हमें, हमें सी की वैल्यू दी एम अपॉन एन, यानी सी क्या होता है, सी इक्वल टू हमारा एम अपॉन एन, हम कह सकते हैं सी किसका रेशियो है एम, और एन का रेशियो है हमारा क्या सी। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, फ्लूइड फ्रीक्वेंसी स्टडीज, हमने देखा फ्लड फ्रैंक फ्रीक्वेंसी स्टडीज हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके बाद हमने रिकरेंस इंटरवल देखा, उसके बाद हमने रिटर्न पीरियड देखा, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस देखा, फिर हमने इन दोनों का रिलेशन देखा, फिर हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को, अगर हमें आठ टाइम बारिश हो रही है किसी एन सक्सेसिव ईयर में तो हम कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद हमने देखा कि हम कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूले दिए गए थे जिनकी हेल्प से हम पीओटी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फिर हमने वो देखे। ठीक, जिसमें पहला मेथड था कैलिफोर्निया, दूसरा एलेनहेजन, तीसरा वीबुल, चौथा गंबल्स मेथड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।